हेलो। Yeah!
इंस्पेक्टर नायक, तुम्हें पता है ना इनके साथ क्या सलूक करना है? ले जाओ इन्हें, गिरफ्तार कर लो इन्हें। चलो बैठो अंदर। चलो बैठो अंदर। राकेश मेहरा, यह सर, प्लान के मुताबिक मिशन कामयाब रहा। थैंक यू सर। जी सर, जी। गुड राकेश मेहरा, वेरी गुड। तुमने जो काम करके दिखाया है उसे हमारे कई ऑफिसर्स करने में नाकाम हुए हैं। तुमने ये चैलेंज मुस्कुराते हुए कबूल करके न सिर्फ अपनी जवां मर्दी बल्कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने का सबूत भी दिया है। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए। इस बार मेरा ट्रांसफर कहां किया जा रहा है सर? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सर, किसी भी इलाके से जुर्म का खात्मा कर देने के बाद मुझे अपने ट्रांसफर का एहसास हो जाता है, क्योंकि 5 साल में ये मेरे साथ 10वीं बार हो रहा है। अरे भाई, तुम्हें तो मुंबई भेजा जा रहा है, वहां जाने के लिए हर ऑफिसर तरसता है। सर, जो तरसते हैं उन्हें भेज दीजिए प्लीज। मिस्टर राकेश मेहरा, खूंखार जानवरों के जंगलों में एक जाबाज शिकारी को ही भेजा जाता है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। सर, किससे? क्रिमिनल से या अपनी बीवी से, जो मेरे ट्रांसफर की खबर सुनते ही किचन के सारे बर्तन उठाकर मुझ पर फेंकना शुरू कर देगी। किचन के बर्तन? क्या हुआ? सर, बेलन बेलन था, कुछ नहीं, चलता हूं। बेलन? बन्ने खां, ओ बन्ने खां। जी बीबी जी। जल्दी से प्लेटें लगाओ, साहब के आने का वक्त हो गया है। अभी हाजिर हुए बीबी जी। नूर बानो, ले देकर तुम्हारे बन्ने खां के पास सिर्फ एक ही है, वो भी जमाने के जुल्मों से तुमका सताया हुआ। क्या? हमारा दिल। ओफो, तुम बात बात में खफा क्यों हो जाती हो हमारी लखते जिगर? अरे बाबा, ये उर्दू में तू क्या कितर पिटर करता, मेरे से कुछ पल्ले नहीं पड़ता हूँ। अरे हमारी जुबान आपके पल्ले नहीं पड़ती तो क्या हुआ, लेकिन ये नाचीज तो आपके पल्लू में ही पड़ा हुआ है। तुम्हें नाचीज? अरे तुम्हें बड़ी ऊंची चीज, तुम्हें कुत्ती चीज। मेरे को शादी का बोलते ही किधर गया, और ये पेटी में 40 लोगों की फोटो क्या करते ही? ये लोग तुम्हारी भाई ना? अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे अब्बा हुजूर को। अरे जब हम पैदा हुए तो उन्हें लगा कि उनके खानदान का नाम रोशन करने के लिए ये चराग काफी है, इसलिए हम दुनिया में अकेले हैं। इसलिए इतने थकेले हैं? हम थोड़े से ऐसे जरूर हैं, लेकिन वैसे बिल्कुल नहीं। हाँ अच्छा अच्छा, ये सब ठीक है। ये लोग कौन? ये वो चांद के टुकड़े हैं जिनके साथ हमने मोहब्बत की लेकिन शादी नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही शादी की तारीख तय होती थी हमारे साहब का तबादला किसी और शहर में हो जाता था और हम अपना दिल थाम के रह जाते थे। लेकिन अल्लाह कसम नूर बानो, इस बार हम तुम्हें इस एल्बम की जीनत नहीं बनने देंगे बल्कि अपने दिल की मलिका बनाएंगे। दिल्ली के ख्वाबा में छिछड़े, देख लेना इस वक्त भी ऐसा ही छोंगा तो आपका तबादला हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हम इस पर ऐसा नहीं होने देंगे। अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को ले चलना हैदराबाद और चार मीनारा से धकेल देना। आओ। नूर बानो, खुदा के वास्ते इतना जुल्म मत करो। घंटी बजाओ। बज गई घंटी, साहब आ गए।
मजा खराब। कौन है साहब? साहब शहर में दंगे हो रहे हैं क्या? क्या आप ये सब पहन के आए तो हमें लगा शायद पथराव। बहन साहब कहाँ हैं? बीबी जी अंदर है। बुलाओ। एक मिनट, हम बुलाते हैं। देविका, देविका, हाय। अरे ये पुलिस ऑफिसर अचानक क्रिकेटर कैसे बन गया? आज एक बहुत जबरदस्त मैच है, फाइनल है। फाइनल? सामने कौन है? मेरी बीवी। मैं? हाँ, तुम बॉलिंग करोगी और मैं बैटिंग करूंगा। और हम पीछे से पकड़ लेंगे, बाल पकड़ लेंगे, विकेट कीपिंग करेंगे ना। गुड, ठीक है, बॉल लाइए। बॉल? अरे किचन में इतने सारे बॉल है और तुम मुझसे बॉल मांग रही हो? किचन में? हाँ, प्लेट्स, ग्लासेस और क्या बोलते हैं, कढ़ाई, डोंगे, कड़छी, चमचे। कढ़ाई, डोंगे, कड़छी, चमचे और अपना वो बेलन। तो आप मुझे वो ताने दे रहे हैं जब आपके ट्रांसफर पर मैं आप पे बर्तन फेंकती हूँ? ताने नहीं डालिंग, सेफ्टी। तुम चाहे जो कुछ भी फेंको, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो। क्या? हमारा ट्रांसफर मुंबई हो गया। वेलकम जगतपाल अंकल, वेलकम। एक मिनट। ए पोपट, एक मिनट। अंकल, हमारे बाप का नाम बजरंग पांडे है और बजरंग पांडे नाम ही बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। अपने साथ ये झुंझुने लाकर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आप सब लोग गाड़ी के पास ही रहिए। हाँ, जाइए जाइए, गाड़ी पर नजर रखिए, कहीं कोई बम ना लगा दे। मामा, अरे गुस्सा काहे करते हो भांजे, आजकल बम लगाने का फैशन है, इसलिए कहता हूँ। अरे जीजा जी, देखिए तक कौन आया है, नेता जी। हे जगतपाल, जगतपाल हमरा दोस्त, मित्र हमरा। कैसा हो भाई? ठीक ही हूँ। हाँ, ठीक नहीं हो, नहीं हो, बैठो बैठो। बैठिए। अरे बैठो जग्गू। बोलो भैया, कहाँ सेवा करें तुम्हारी? बज्जू भाई। अरे जीजा जी, सेवा करने से फायदा? इनका गवर्नमेंट तो गिर गया है। गवर्नमेंट गिर जाने से ही हमारी नजरों से थोड़ी गिर गया, मित्र है, पुरानी दोस्ती है। अरे पुरानी दोस्ती है इसीलिए तो आया हूँ बज्जू, मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए, अर्जेंट। का है भाई, एमएलए का सेल लगा है का? चुप साले, वो तो हम हैं। देख बज्जू, अगर 10 दिन के अंदर अंदर मैंने अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं की ना, तो समझ ले कुर्सी गई हाथ से। वो अपोजिशन वाला बख्शी है ना, उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। इसलिए हर हाल में तुम्हें मुझे 10 करोड़ रुपया देना हो। मुश्किल है। मुश्किल तेरे लिए? क्यों, हमने क्या नोट छापने का कारखाना खोल रखा है? इससे पहले भी करोड़ों ले जा चुके हो, उसका क्या पोपट है? क्यों, तुम लोगों ने जो मेरे राज में नोट बनाए हैं वो क्या लोग जो रुपए लुटाने के लिए? ओए, गलत बात नहीं कर जगतपाल। तुमने राज में अगर बजरंग पांडे ने रुपया बनाया है तो फोकट में नहीं बनाया, तुम्हें जितवाने की खातिर जान जोखिम में डाले हम और हमारे आदमी। अरे चुनाव के समय पब्लिक को तुम्हारे पोस्टर पे मूतते देखे हम, मूतते। उसके बाद भी तो मिनिस्टर बने हो, किसकी वजह से? हमारी वजह से, समझा? और तू जो आज इतनी बड़ी स्टेट का मालिक बना बैठा ना, वो भी मेरी वजह से। देखो जी, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं, मुझे रुपए की जरूरत है। जा, नहीं देता। लौंडिया का बात किया ना तू,
अब ही रुपया हम लौंडिया पर लुटाएगा, मगर तुझ जैसा दल्ला को नहीं देगा। अरे दल्ला तो तू था साले। नहीं भांजे नहीं, ये कहाँ नाम नहीं कर रहे तुम। और आप लोग भी तनिक प्यार मोहब्बत से बात कीजिए ना, हैं? एक दूसरे की पोल कहे खोल रहे हैं। बहुत बोल लिए जगतपाल, बहुत बोल लिए तुम। अभी तो सिर्फ बोला है बजरंग पांडे, मुझे सत्ता में आ जाने दे। तुम्हारे काले धन का भांडा फोड़ के तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अगर मैंने दोबारा कमाटीपुरा की फुटपाथ पे नहीं लाया ना, तो मेरा नाम भी जगतपाल नहीं। और हमने भी तुम्हारे खिलाफ इंटरव्यू में बोलकर तुमसे धारावी की गटर साफ ना करवाई तो हमारा नाम भी बजरंग पांडे नहीं। जगतपाल, बहुत सही इनाम दिए हो दोस्ती का, हमरे मन पर चाकू से लकीर खींच दिए तो। आज के बाद हम इस पार और तुम उस पार, चला जा जगतपाल, चला जा। फिर ना कहना कि घर आए दोस्त पर वार किए हूं। जा, जा! अगर उसकी बात का इतना ही बुरा लगा है डैड, तो हमें रोका क्यों था? डैड, अब तक तो उसका क्रियाक्रम भी हो चुका होता। हाँ जी जाजी, एक तो बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि जो आदमी आपकी कृपा से जिंदगी भर हार पहनता रहा, आप उसी से हार मांगे। अगर हार माने होते तो बजरंग पांडे नाम का ये आदमी शहर का कोनो झोपड़पट्टी में होता या फिर मुलक वापस चला गया होता। भल्लू टाइगर को ढूंढो और कहो का कि हमने उसे याद किया है। क्या बात है हवलदार, इस फाइल पर इतनी धूल क्यों है? ये बल्लू टाइगर की फाइल है सर। क्या मतलब? सर आपसे पहले एक ऑफिसर आए थे, उन्होंने ये फाइल बनाई थी, उनके जाने के बाद ये फाइल कभी खुली ही नहीं। खुली नहीं या किसी से खोलने की हिम्मत नहीं हुई? तुम फौरन जाकर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को बुलाओ। सर वो बीमार है और वो छुट्टी पर है। तो इंस्पेक्टर वाक से कहिए मुझसे आकर मिले। सर वो भी छुट्टी पर है, कहते थे दांत निकलवाना है। दांत निकलवाना है तो इंस्पेक्टर वागले ने भी छुट्टी ली होगी। जी सर। उनको डायरिया हो गया होगा। सर आपको किसे मालूम? बड़ी सीधी सी बात है सर, बल्लू टाइगर साहब की फाइल जो खुलने वाली है, इसलिए हमारे पुलिस ऑफिसर्स बीमार हो गए हैं। यही तो वजह है हमारा सिस्टम बीमार है। आप जाइए अपना काम कीजिए। जी सर। जरा मैं भी तो देखूं ये कौन सा टाइगर है जिसकी दहाड़ से पुलिस वाले बीमार हो जाते हैं। सलाम सर। सलाम बल्लू साहब। सर सलाम बल्लू साहब। सलाम साहब, बल्लू टाइगर। अपने नाम के साथ टाइगर लोगों को डराने के लिए लगा रखा है क्या? नहीं साहब, ये नाम मेरे उस्ताद ने मुझे दिया है। रही लोगों को डराने की बात, तो ऐसा पब्लिक बोलती है कि टाइगर नाम कोई पुलिस की वर्दी नहीं है जिसे पहनकर लोगों को डराया जा सके। तुम क्या समझते हो ये वर्दी हम पुलिस वालों ने दादागिरी करने के लिए पहन रखी है? आपने ठीक से सुना नहीं, ऐसा पब्लिक बोलती है।
मैंने तुम्हें यहां फोन करने के लिए बुलाया है। घर जाकर जुर्म से तौबा कर लो। तुम्हारी कोई कंप्लेंट अगर मुझ तक पहुंची तो इतना याद रखना मिस्टर टाइगर, मैंने बड़े बड़े खूंखार जानवरों का शिकार किया है। तो आप इंसानों की बस्ती में क्या कर रहे हैं? जंगल में ट्रांसफर ले लीजिए। जंगल में ही तो आया हूं टाइगर। तो फिर होशियार रहना, ये जंगल बहुत खतरनाक है। इस जंगल में कई ऑफिसर गुम हो गए, कई डर कर भाग गए, ऐसा पब्लिक बोलती है। मैंने जहां जहां ड्यूटी की, जानते हो वहां की पब्लिक क्या बोलती है? एसीपी राकेश सिर्फ जुर्म का पेड़ ही नहीं काटता, वो जमीन भी बंजर कर देता है जहां ऐसे पेड़ उगते हैं। तुम जा सकते हो। सुनो, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। आउट। बोलू टाइगर आ गया, बोलू आ गया। बोलू टाइगर, हमें क्यों मार रहे हो? हमारा क्या कसूर है? कुछ नहीं, सिर्फ पुलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखवाना के हमने तुम लोगों को मारा है। और हाँ, वो जो नया एसीपी आया है ना, उसी के पास कंप्लेन लिखवाना, और अगर नहीं लिखवाई तो शाम तक ये दुकानें नहीं रहेंगी। समझ गया? ये पुलिस स्टेशन है, आखिर आप हमें एसीपी साहब से मिलने को नहीं देते? देखिए, एसीपी साहब कंप्लेन नहीं लिखते हैं। अगर कंप्लेन लिखवानी है तो यहाँ लिखवाइए, वरना जाइए। हम एसीपी साहब को मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। खामोश। क्या शोर है ये? क्या बात है हवलदार साहब? पल्लू टाइगर ने हमें बहुत मारा, देखिए क्या हाल बना दिया उसने हमारा। पल्लू टाइगर ने मारा? मारा तो मारा, और कहा कंप्लेन भी दर्ज करवा देना। अगर हम उसके बारे में कंप्लेन नहीं लिखाएंगे तो फिर से मारेगा साहब। हवलदार, कंप्लेन लिख लो इनकी। नहीं नहीं, उसने सख्ती से कहा है कि हम कंप्लेन सिर्फ आपके पास ही लिखवाए। तुम्हारा बाप पल्लू टाइगर? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? तुझे नहीं मालूम किधर है पल्लू टाइगर का पता बता दे। तो नहीं मालूम सर। Hot
टन आओ बल्लू टाइगर जो तूने क्लब के मैनेजर को दिए थे मुझे खरीदने के लिए। जरूरी नहीं कि हर वो लड़की जो किसी क्लब या बार में नाच गाकर लोगों का दिल बहलाती है वो बिकाऊ या सड़क छाप हो। वो और होंगी जो तेरे एक इशारे पर अपने जिस्म के कपड़े उतार दे। मैं वो नहीं, समझा? ए लड़की, तुम क्या बोल रही हो? इसका अंजाम जानती हो? जानती हूँ मेरी इज्जत लूट सकती है, और ये भी जानती हूँ कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद मैं तो अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे माथे पर बदनामी का दाग लगा जाऊंगी कि बल्लू टाइगर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया भी तो किस पर? एक बेबस लड़की पर? ये लड़की, तुम्हारी ये मजाल? ए मुस्तफा, छोड़ दे इसे, जाओ। Thank you.
रुपया रख लो, मुझे गलत मत समझना। ये बल्लू का उसूल है कि राह चलते किसी शरीफ खानदान की लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता, लेकिन जिस जगह तुम मिली वहां हर कोई पर्दा हटाकर देखता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे घर में आकर इतना सब कुछ कहा। पेट बहुत छोटी सी चीज है, उसके लिए पूरा जिस्म दिखाना जरूरी नहीं। अच्छे घर की मालूम होती हो, कोई अच्छा काम करो। और रुपया चाहिए दूंगा, मदद चाहिए मदद मिलेगी, लेकिन मेरे मोहल्ले में रहने वाली कोई लड़की क्लब में नाचती हुई नजर आई तो फिर माफी भी नहीं मिलेगी। बल्लू, अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हें किसी अच्छे घर की मालूम होती हूँ, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये रुपए रख लूंगी? आज तक जितने भी लोग मिले सब पैसा फेंकने वाले ही मिले, लेकिन तुम पहले ऐसे इंसान हो जो रुपए के साथ साथ नसीहत भी देकर जा रहे हो। तुम्हारी दी हुई नसीहत रख लेती हूँ, लेकिन रुपए वापस लेकर जाओ। हाँ, अरे आइए आइए साहब, बैठिए, चाय पीजिए। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, तुम्हारी एक भी कंप्लेंट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद तुमने लोगों को मारा, उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ इतना ही नहीं साहब, मैंने उन्हें मारकर यह भी कहा था कि आपके पास जाकर कंप्लेन करे, वरना और मारूंगा। एए, बकवास बंद करो, यू आर अंडर अरेस्ट। एक मिनट सिर्फ साहब, मुझे उम्मीद है आपको अंग्रेजी पढ़ना आती होगी। एंटीसिपेटरी बेल, जिस तरह आप हथकड़ी लेकर घूमते हैं ना, उसी तरह बल्लू टाइगर ये कागज लेकर घूमता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। ये पेपर नहीं, लॉलीपॉप है, जो राजनीति की गोद में बैठे हुए तुम जैसे आवारा बच्चों को बड़े प्यार से दिया जाता है। लेकिन जिस दिन मेरे गिरफ्त में आओगे, वो हाल करूंगा कि डॉक्टर भी सोच में पड़ जाएगा कि जख्म पर पट्टी लगाने की शुरुआत कहां से करूं। आपके दिए हुए जख्म पर डॉक्टर सफेद कपड़े की छोटी सी पट्टी लपेटता होगा, मगर मेरे दिए हुए जख्मों के बाद पूरे बदन को सफेद कपड़े से ढकना पड़ता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। अरे जीजा जी, इतना पैसा देख के इनका हट फेल हो जाएगा और आपको फांसी हो जाएगी। छी छी, कैसी फांसी? अगर ये काम 3 साल पहले हो जाता तो सरकार जगतपाल की नहीं बख्शी साहब की होती। खैर, दे रहा है लेकिन दुरुस्त है। जाओ, जिस जिसको खरीदना है खरीद लो बख्शी, और बना लो अपने पोपट, मेरा मतलब है अपनी सरकार। अब होगा ना उसका फुल एंड फाइनल, कमाटी पूरा हम नहीं वो जगतपाल जाएगा। जरूर जरूर। लेकिन लेकिन बख्शी साहब, एक बात ध्यान रखिएगा कि कुर्सी मिलते ही गिरगिट के माफिक अपना रंग मत बदलिएगा, ना ही तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि आपका राजनीति में जिससे दुश्मनी हो जाए उसको कुर्सी से उतारते हैं, लेकिन हमार धंधा में जिससे दुश्मनी हो जाए उसको सीधा कब्र में उतारते हैं। अरे नहीं रे। अरे ये बैग नहीं है, ये तो फेविकोल है, फेविकोल। ये मुझे और बजरंग को आपस में मजबूती से चिपका देगा। हाँ, मैं तो टीवी की तरह रहूंगा, मेरा रिमोट कंट्रोल बजरंग के हाथ में रहेगा, टीवी पे सिर्फ मेरा चेहरा दिखाई देगा, चैनल तो बजरंग ही बदलेगा। क्यों बजरंग? पनवा है, पनवा पनवा संभालिए, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, जा रहा हूँ।
जीजा जी के जिगर के टुकड़े, हमरे जीजा जी की जान, कलेजे के टुकड़े, फड़फड़ाते फेफड़े, वेलकम। अरे मामा बस हो गया बस, अब काम की बात करने दो। बल्लू, तुम्हें जितना दिया जाता है उसे कई ज्यादा है, ले लो, टेक इट। काम क्या है? जगतपाल है ना मिनिस्टर, उनकी दोस्ती से हमारा जी भर गया है। जिससे आपका मन भर जाता है आप उसे शमशान भेज देते हैं, ऐसा पब्लिक बोलती है। यार जगतपाल, इतनी शानदार पार्टी तो तुमने मिनिस्टर होने के बाद भी नहीं दी थी, क्या सभी एमएलए को लपेट कर जेब में रख लिया है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप भाई, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन कहाँ हूँ। सही बात है, इस मुकाम पर आने के बाद हर इंसान के लिए ये सब बातें मजाक सी हो जाती हैं। जगतपाल, मैंने माल लगाने का प्रॉमिस किया है, तुम अपने वादे से मुकर ना जाना है। आहिस्ता बोलिए जैन साहब, कोशिश कीजिए कि नशे में सिर्फ कदम ही डगमगाए, जवान नहीं, क्योंकि अभी कुर्सी हाथ में आई नहीं, क्या पता हमें गिराने के लिए कौन कहां निशाना लगाए बैठा हो। सही बात है। अरे जगतपाल जी, आप तो इस शहर के नेता रह चुके हैं, बड़े से बड़ा महारथी भी आपके सामने झुक जाता है, भला किसी की क्या मजाल जो आपके साथ पंगा ले ले। मोदी साहब, ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स बिल्कुल शतरंज की तरह होता है, आपका ध्यान जरा सा हटा नहीं के सामने। निकाल बताने की जरूरत तो नहीं कि गाड़ी तेज चलाना और सिग्नल तोड़ना दोनों जुर्म है, मगर तुझे तो कानून तोड़ने में बहुत मजा आता है ना? क्यों आता है ना मजा? हाँ, टाइगर मजा आया? नहीं आया ना, मुझे भी नहीं आया, क्योंकि मैं बेजान गाड़ियां नहीं मुजरमों की हड्डियां तोड़ने का आदी। बाय द वे, गाड़ी इतनी तेज मत चलाया करो, कई रोड एक्सीडेंट में मारे गए तो सरकारी गोलियों का क्या होता। और एक बात और, हेलो एसपी राकेश है? हेलो सर, जगतपाल को गोली मार दी किसी ने। कब? थोड़ी देर पहले। कौन सा हॉस्पिटल में? गांधी हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, तुम वही ठहरो, मैं अभी पहुंचता हूं। ओके सर। डॉक्टर साहब, मिस्टर जगतपाल,
I'm sorry, he's no more. क्या उन्होंने मरने से पहले आपसे कुछ कहा? वो तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुके थे। हाँ, लेकिन उनका पीए जिंदा है। उसका बहुत खून बह जाने की वजह से उसे आईसीयू में रखा है। डॉक्टर, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, मगर मुझे उसके आसपास आपके सिवा और कोई नहीं चाहिए। और जैसे ही वो होश में आए, आप सबसे पहले मुझे खबर देंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। नो इंटरव्यूज, नो फोटोग्राफ्स, नो विजिटर्स। जो भी हॉस्पिटल में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करे, अरेस्ट देम, फिर चाहे वो कोई भी हो, इट्स एन ऑर्डर। यस सर। बीबी जी, आपने इनकी खामोशी से कुछ अंदाजा नहीं लगाया? कैसा अंदाजा? माशाल्लाह, कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह करे कभी नजर ना लगे, लेकिन आज चेहरा एकदम उतरा उतरा सा है। साफ पता चल रहा है कि साहब का फिर से ट्रांसफर होने वाला है। क्या? और नहीं तो क्या, देखा नहीं आज साहब की कैफियत बिल्कुल वैसी है जैसे शादी की पहली रात को होती है। कुछ कहना तो चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आप सच कह रहे हो बन्ने खां, कल रात से देख रही हूँ, बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। बीजी, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दर बदर की ठोकरे खाते रहेंगे? कब हमारी शादी होगी? कब जाके हमारे बच्चे होंगे? बुढ़ापे में मालूम पड़ा अपने बच्चे को घुमाएंगे तो लोग कहेंगे, वो देखो वो देखो, बन्ने खां अपने पोते को घुमा रही है। आप ठीक कह रहे हो बन्ने खां, आखिर कब तक भटकते रहेंगे हम? आज फैसला होकर रहेगा, या मैं नहीं या नौकरी नहीं। हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। क्या बात है भाई, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? साहब, हो सके तो रोक लीजिए। क्या? हो सके तो रोक लीजिए। क्या रोक लीजिए? अपना तबादला रोक लीजिए। तबादला रोक लीजिए? तुम दोनों से किसने कहा कि मेरा तबादला होने वाला है? फिर क्यों मुलट कर बैठे थे? ओ, अरे बेवकूफ, मैं जगतपाल के पीए के बारे में सोच रहा था। वो अभी तक होश में नहीं आया और वही एक गवाह जो इस केस को सॉल्व कर सकता है, इसलिए मैं परेशान था। क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ आओ कुलकर्णी। एक गुड न्यूज है सर, जगतपाल के पीए को होश आ गया है। जल्दी चलिए सर। वेरी गुड, चलो। होश आ गया है। हेलो, बजरंग पांडे को फोन दे। आप कौन बोलते हैं? अभी मैं बोलेगा, मैं पप्पू कंगी बोले लाए, तू यकीन करेगा क्या? सवाल मेरा पहले है, तू कौन है बोल। कौन बोलता है? कौन बोलता है? हरामखोर बोड़बक कहीं के। चले जास्ती भंकस नहीं, तो फोन में हाथ डालकर तेरी जबान ऐसी खींच लूंगा ना जैसे दो नंबर करने के बाद पानी चलाने के लिए जंजीर खींचते है ना। अभी चल तेरे हरामखोर जीजा को फोन तमा, चल। हाँ ठीक है, रुकिए, स्टॉप कीजिए, हम अभी बुलाता हूँ। हरामखोर जीजा जी, हरामखोर जीजा जी। कहाँ बकवास कर रहे कुत्ते का बच्चा? अरे हम थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये दूसरी तरफ फोनवा में कोई आपको हरामखोर बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे। ठीक है। हेलो, क्या बजरंग बिड़ो, नोट की हरियाली घर में आई तो पूरे खानदान के साथ मुंबई में सेटल हो गया? कौन बदतमीजी से बात कर रहा है साला? ए साला मत बोल, बहुत भारी पड़ेगा, किसी को भी पूछ ले, क्योंकि अपन बहन की शादी में दहेज देते नहीं, दहेज लेते हैं, फुटपाथ पे आ जाएगा, खाली हो जाएगा। अभी तो एक काम की बात सुन, अपन जगतपाल के घर में चोरी करने के लिए घुसा था, अपने को टिप मिली थी कि उसके घर में हवाले घोटाले का बहुत माल है, तो अपने को वहां रोकड़ा तो मिला नहीं, लेकिन एक डायरी मिल गई लिए, और उस डायरी में जगतपाल ने बिंदास लिखा है कि अगर वो यानी कि जगतपाल मर गया तो उसकी मौत की जिम्मेदारी बजरंग पे होगी। टैन टना टैन। कौन बोल रहा है? अबे लल्लू, ऐसे फोन ब्लैकमेलर नहीं करेगा, तो कोई शरीफ आदमी के पास इतना टेम है कि तेरे जैसे खतरनाक सांप के बिल में हाथ डाले? अभी सीधे सीधे काम की बात कर बाबा, 50 लाख ला और ये तेरी 50 रुपए की सड़ेली डायरी लेके जा। मौत के सौदागर से सौदा कर रहा है।
ए स्टाइल झाड़ना नहीं बाबा, अपने पास ये डायरी के 10-20 जीरोक्स है, डराना कहीं और इधर नहीं, समझो ना। अभी एक काम कर, पुराने कब्रिस्तान के पीछे खंबे वाला हॉल है, उधर आना, पैसे देना और तेरी डायरी लेके जाना, क्योंकि अगर ये डायरी मेरे पास रह गई तो तेरे को डायरिया चालू हो जाएगा। और एक बात और ध्यान से सुन, वो हॉल में किसी के बाप की शादी नहीं है, पूरे खानदान की बारात लेकर आना नहीं। अभी अपन फोन बंद करता है क्योंकि अपन बात कर रहा मोबाइल से, और अपन एक साल से बिल भरेला भी नहीं। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था डैड? अरे पता नहीं कौन है भांजे, जीजा जी को हराम फोर बोल रहे हैं। साला बुड़बक, आज तुमको तुम्हारी बहन के पास जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जीजा, दीदी को पति का जरूरत है, भाई का नहीं। अरे भांजा, जीजा हम कथा कर दिए हैं। ए पोपट, ठीक से बैठो ना। देखिए तो क्या हुआ डैड, किसका फोन था? बताएंगे, पहले हमका कहीं जाना है। बैग में रखो 50 लाख और रिवाल्वर में 6 गोलियां। शामदे सुस्वागतम, वेलकम मिस्टर पांडे। डायरी कहाँ है? बजरंग को ब्लैकमेल करने से पहले लोगन से बजरंग के बारे में पूछ लेते तो तुम्हारे लिए सही होता। बड़ा नाम सुना था तेरा पांडे, मगर जितना बड़ा तेरा नाम है उतना ही बड़ा बेवकूफ भी निकला तू। मुझे एसीपी राकेश मेहरा कहते हैं। ऑफिसर, हथकड़िया लगाओ पांडे को। यस सर। एसीपी, तू जानता नहीं है कि कौन है हम? बताए हमारे पान की पीक इतनी ज्यादा लाल काहे होती है? क्योंकि पान में कत्थे की जगह तो जैसे अफसरों का खून लगाकर खा जाते हैं हम। एक बार हवालात तो चल पांडे, ये मेरा वादा है तुझसे, तेरे पान की बुरी लत छुड़वा दूंगा। चल। अरे माथा मत ठनकारे हमरा, पान चाहिए पान। ऑफिसर। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। एसीपी, पान पान चाहिए हमें। पान खाएगा पांडे? जोराबाई के कोठे पे आया है तू? ये तुझे कोठा लगता है? ये हवाला तेरे बाप का घर है पांडे। बाप का नाम ना ही लेना। उंगली आवाज नीचे। गर्दन नीचे पांडे, गर्दन नीचे। क्या बोला था तू? मैं तुझे जानता नहीं, विधाता है तू? कहां का विधाता है तू पांडे, कहां का विधाता है तू? लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करता है तू, फैसले करता है तू? मुझे क्या जगतपाल समझ रखा है तूने पांडे? जगतपाल हूं क्या मैं? पांडे, सरकार बनाता है तू? सरकार गिराता है तू?
हट हट। अच्छी तरह से देख ले इस रंग को। पांडे, क्या तेरे पान की पी किससे भी ज्यादा लाल है? क्या कहा था तूने कि तू अपने पान में कत्ते की बजाय हम जैसे अफसरों का खून लगाकर खाता है? मैंने तुझसे कहा था ना पांडे, मैं तेरे पान की लत मिटा दूं। पांडे, मैं तुझे 2 घंटे का वक्त देता हूं। 2 घंटे के अंदर तू अच्छी तरह से सोच ले, जगतपाल पर गोली किसने चलाई थी, किसने खून किया था उसका, किसने मारा था जगतपाल को। दो घंटे के बाद हम वापस आऊंगा, जा रहा हूं। अरे जितना मारना है मार ले, लगा ले चोर एड़ी चोटी का, मगर एक बात याद रखना, बजरंग पांडे का मुंह सिर्फ 2 ही बार खुलता है, पान खाते समय और फैसला सुनाते समय। पान तो तूने खाने नहीं दिया, हाँ मगर तुम्हारा फैसला सुनाते समय मुंह जरूर खोलेंगे, और जब तक तुम्हारा फैसला ना हो जाए एसीपी, बजरंग पांडे सोएगा नहीं, नहीं सोएगा। अरे सोएगा तो वो एसीपी, उसकी वर्दी उतरवा कर उसे कांटों पे नहीं सुलवाया तो नाम बख्शी नहीं, देख लेना। बस बहुत हो गया, 1 घंटे से मैं तुम्हारे मुंह से उस एसीपी की बुराई सुन रहा हूँ। हम यहाँ उसकी बुराई सुनने के लिए नहीं, अपने बाप की रिहाई के लिए आए हैं, समझे क्या? जी हाँ। और देखे बख्शी साहब, आप वो जो फेविकॉल वाला बात बोले थे ना हमारे जीजा को, हमको तो लगता है कि माल अंदर करने के लिए बोले थे आप। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ हम। अरे हमारा जीजा 5 करोड़ का इतना बड़ा बैग दिया आपको और आप उसी को अंदर करवा दिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने बजरंग पांडे का नमक खाया है। अच्छा, और उधर हमारा जीजा डंडा खा रहा है उसका का। उस हरामजादे ने बजरंग पांडे को गिरफ्तार किया भी तो कब? शुक्रवार की रात को, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि शनिवार और इतवार को कोर्ट बंद रहेगा, ताकि वो 3 दिन तक बजरंग पांडे की तुलाई कर सके। अरे कैसे करेगा, बाप का राज है क्या उसके? पोपट, पोपट बना देंगे हम उसका, पोपट। अरे शांति शांति रखिए भांजो, तनिक शांति रखिए। देखिए जब तक जीजा जी पुलिस कस्टडी में है तो राज तो एसीपी का ही चलेगा ना। अरे उधर तो बड़ा बड़ा मंत्री हक मारता है, तो जीजा की क्या औकात है? मामा, अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, क्या मामा मामा करता है? अब तुम सब देखना कि मैं क्या हंगामा खड़ा करता हूँ। जज को फोन लगा, उसे मेरा नाम बोल और कहना कि बजरंग पांडे को किसी भी सूरत में जमानत मिलनी चाहिए, समझा? आप लोग चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। बजरंग पांडे को कोर्ट में हाजिर तो होने दो। उसको आवा है, दिखाई नहीं देता, गाड़ी पंचर हो गई। चलो इधर, कोर्ट और कहां? एसीपी, इस भरे बाजार में हमें पैदल चलवाकर हमारी बेइज्जती ना कर। बजरंग पांडे, कोर्ट का रास्ता यहां से बहुत नजदीक है, बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलो अबे चल। Hey, 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 hey.
पुलिस की दरखास्त पर यह अदालत मुलजिम बजरंग पांडे की जमानत नामंजूर करते हुए मुलजिम को 15 दिन रिमांड में रखने का हुक्म देती है। बीबी जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बने खां। हमें आपके थैंक यू की नहीं, आपकी दुआ की जरूरत है। कैसी दुआ? हम चाहते हैं कि आप दुआ करें कि हमारी भी शादी हो जाए, ताकि अगले साल तक हमारी बीवी फूल जाए, यानी कि आप भी हमें फूल दें। जरूर जरूर, भगवान करे इस साल आपकी शादी हो जाए तो अगले साल मैं आपको जरूर फूल दूंगी। लेकिन गोभी का फूल मत दे देना। कि बन्ने, क्या जाके सब्जी बनाया? साहब के आने का वक्त हो गया है। बन्ने खां, आखिर तुम्हारे साहब है किधर? पूरे शहर को मालूम है आज हमारी शादी की सालगिरह है, मगर मुझे लगता है तुम्हारे साहब ही भूल गए, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। अरे आ जाएंगे बीबी जी, आ जाएंगे, आखिर आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे। अरे वाह, लीजिए आ गए। इतने सारे फूल, तुमने फूल बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया क्या? अच्छा है, तुम तो जानती हो मैं रिश्वत लेता नहीं। तनख्वाह इतनी कम, महंगाई इतनी बढ़ गई, साइड में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, ये फूल बेचने के लिए नहीं है तो? अरे हाँ, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। सॉरी डार्लिंग, मैं भूल गया, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन भी नहीं? जन्मदिन तो पिछले महीने मना लिया था ना। अरे हाँ समझ गया, मैंने बजरंग पांडे को गिरफ्तार किया ना, इसलिए लोगों ने मुझे मुबारकबाद देने के लिए बुके भेजे हैं, है ना डार्लिंग? तुम्हें अपनी ड्यूटी के सिवा और भी कुछ याद रहता है? हाँ रहता है, बहुत कुछ याद रहता है, जैसे कि तुम्हारी सालगिरह, मेरी सालगिरह, तनख्वाह की तारीख और हमारी शादी की सालगिरह।
छक मार रहा है। अरे यहाँ हम पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, साला बैठा है कुर्सी पर अय्याशी कर रहा है। वो बख्शे को तो हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहला वो एसीपी को ठिकाने लगाएंगे हम। हमारी जमानत रद्द करवा दी, बहुत बेइज्जती किया रे हमरे, बहुत बेइज्जती किया साला ने। अरे जीजा जी, भगवान का शुक्र है कि आप जिंदा हैं। इतना बेइज्जती अगर किसी कुत्ता का भी होता ना तो वो आत्महत्या कर लेता। अरे क्या बकते हो मामा, हम कुछ गलत बोले क्या? नहीं डैड, जी तो चाहता है उस एसीपी के सीने में पूरा रिवॉल्वर खाली करके उसका फुल एंड फाइनल कर दूं। ही इज राइट डैड, ही इज राइट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलती नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना ऐसा बेवकूफी। दुपारी को दांत से नहीं सरोते से काटते हैं, सरोते से। ये एसीपी और ये पल्लू टाइगर। भाभी जी, मैं इंस्पेक्टर श्रीकांत बोल रहा हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके वाड़िया हॉस्पिटल आ जाइए। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, एक मामूली से एक्सीडेंट में एसीपी साहब जख्मी हो गए। मैं अभी आती हूँ। आइए भाभी जी। कैसे है वो? कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर? आइए। आइए भाभी जी, आइए। देविका जी, एक सवाल पूछना है। एसीपी पर जानलेवा हमले की कोशिश किसने की? आपको क्या लगता है उन पर गोली किसने चलाई? आपको किस पे शक है? जवाब दीजिए। आप बात छुपा क्यों रही है? आप बताते क्यों नहीं है? आप प्लीज बताइए ना। एक विशेष सूचना, एसीपी राकेश मेहरा पर आज दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें वाड़िया हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पुलिस को हमलावरों की तलाश है। इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी देने में उनकी पत्नी भी असमर्थ है। देखिए देखिए, मैं आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती जब तक मैं अपने पति से न मिल लूं। बल्लू, ये ग्लास कैसे टूट गया? हाथ से छूट गया, टूट गया। टूटे हुए शीशे को फौरन उठा लेना चाहिए, इनका यूं ही पड़े रहना ठीक नहीं होता। मैं तो बरसों से टूटा हुआ दिल अपने सीने में लिए घूम रहा हूं। सब ठीक है। दिल और शीशे में फर्क होता है बल्लू। हाँ, फर्क सिर्फ एक होता है, धड़कन का, जबकि टूटते दोनों हैं। ऐसा पब्लिक बोलती है। बल्लू, तुमसे बड़ा हमदर्द इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये महसूस कर रही हूं कि इस हमदर्द के सीने में कितना दर्द है। पूछने का तो कोई हक नहीं, लेकिन बात मेरे हमदर्द की है, इसलिए जानना फर्ज समझती हूं। ये चोट किसने पहुंचाई तुम्हें? क्या कोई अपना था? हाँ, अपना था। अचानक पता चला वो सपना था। मैंने बहुत कोशिश की उसे भुलाने की, दिल से मिटाने की,
लेकिन वो आवाज, वो खुशबू, वो हंसी मेरे दिलो दिमाग में ऐसे बस गई कि बस ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, कल की मुलाकात है। से आ रही हो? जब आपको पता है तो क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी कि अपने बाबूजी से जुबान चलाती है तू? ये मेरा फैसला है माँ, और ये अपना घर ही क्या, पूरे मोहल्ले पूरे गांव को मैं ये फैसला सुना चुकी हूँ कि मैं बलराम से प्यार करती हूँ और मेरी शादी भी उसी से होकर रहेगी। ये तो तुम्हारा फैसला है, लेकिन अब मेरा फैसला सुन लो।
अगर तुमने उस टूरिस्ट गाइड से मिलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आखिर क्या बुराई है बलराम में? चिल्लाओ मत, इस घर में उसका नाम लेकर तमाशा मत खड़ा करना। फौरन इस गांव को छोड़ने की तैयारी करो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसके मामा के शहर चले जाएंगे और वहीं इसकी शादी कर देंगे। मैं सिवाय बलराम की किसी और से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी, और वो लड़का कोई ऐरा गहरा सड़क छाप नहीं है, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर। वो कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। बेशरम बेहया, अपनी उम्र से बढ़कर बात कर रही है तू? अरे लड़की जात है तो लड़की बनकर रहे। बेशरम, चल अंदर, बाहर नहीं निकलना। अपने माँ बाबू जी से मुँह चलाती है। साहब, जितनी जगह आपको दिखाई आए ना, सबसे बेहतरीन जगह यही है। देखिए क्या नजारा है, वेरी वेरी गुड। यहाँ आप एक 5-star होटल बनाइए और फिर देखिए क्या चलेगा। अरे टूरिस्ट लोग को चाहिए क्या, अच्छी जगह हो, अच्छी हवा हो, अच्छा खाना हो, बस। आप यहाँ पहली बार आए ना साहब? वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ 15 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और हम लोग जिस रास्ते से आया ना, ब्यूटीफुल रास्ता, कस्टमर लोगों के लिए कमिंग एंड गोइंग वेरी वेरी इजी साहब। और सब बहुत हो गया, अब हमको भी तो कुछ बोलने दे। वेरी वेरी सॉरी साहब। डैड, इस जगह का फुल एंड फाइनल कर देते हैं। हाँ जी जी, होटल के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। अरे कोई भी बिना पैसे दिए भाग ही नहीं सकता है, पूछिए क्यों। अरे देखिए ना, चारों तरफ कितना बड़ा बड़ा खाई है। हम लॉज नहीं बना रहे हैं, 5-star होटल बना रहे हैं, पुड़बक कहीं का। आवाज कितनी मधुर आ रही है, लगता है इस जगह पे पोपट बहुत है। डैड, हम होटल बनाएंगे तो यही। जीजा जी, हम तो कहता हूँ कि इसको यही छोड़ दीजिए, ये पोपट से खेलता रहेगा और आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा। साहब, ऐसी जगह पर हजारों की नजर होती है, इससे पहले कि कोई इसे खरीद ले, आप इसे खरीद लीजिए, होटल बनाइए। मैं कहता हूँ खूब चलेगा, जिधर भी कस्टमर खिड़की खोलकर देखेगा ना, चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली दिखेगी। वेरी वेरी ग्रीन साहब, वेरी वेरी फ्लावर। बलरामी, पैसा रख लो, 50,000। किस बात के लिए साहब? अरे भाई, हमारी जान बचाने का। अरे नहीं नहीं साहब, जान बचाने के लिए कोई पैसा लेता है क्या? जान बचाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है, वेरी वेरी ग्रेट काम साहब। अरे वाह, देखिए देखिए तो जीजा जी, कितना कमाल का बात है। यहाँ पर लोग जान बचा के भी पैसा नहीं लेते हैं, और वहाँ शहर में जान से मारने के लिए लाखों करोड़ों पेटी खोका ना जाने क्या क्या ले लेते हैं। ये रुपया हम दे रहे हैं बलराम भाई, अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख लो, इन्हें काम आएंगे। अरे नहीं साहब, बलराम को अपने हाथों पर बहुत भरोसा है, वेरी वेरी फेथ। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। कुल मिलाकर 350 रुपया होते हैं और ड्राइवर का 100 रुपया बनता है, 450 रुपया साहब। दई दो। एक दो तीन साढ़े 450। हाँ ये लो। साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, शराब पीकर इस जीवन को नष्ट मत होने दीजिए साहब। भोला है, बहुत भोला है बेचारा,
बिल्कुल पोपट, लेकिन ईमानदार है। अरे इसलिए तो टैक्सी चलाता है, वरना जीजा जी की जगह पे होता। नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब यह है कि लालची नहीं है। देखिए ना, 50,000 को ठोकर मार के चला गया। इसकी जगह कोई दूसरा होता तो कुत्ते की तरह नोटों को हड्डी समझकर छपा डालता। ये कुत्ता नहीं, टाइगर है, टाइगर है, टाइगर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साहब, बलराम गाइड आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ वाह बलराम, योग है। वेरी वेरी थैंक यू साहब, मेरे लिए काम ही नशा है, ओनली वर्क। जिंदगी में किसी न किसी चीज का तो नशा रहना ही चाहिए, वरना जिंदगी बेमजा हो जाती है। साहब चलिए मेरे साथ, इस हिल स्टेशन पर आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आपकी बेमजा जिंदगी में बाहर आ जाएगी। आइए। बलराम, अरे देविका तुम ही? हाँ मैं तुमसे अभी शादी करना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। वेरी वेरी गुड, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जल्दी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। पापा ने मेरे लिए शहर से एक लड़का देख रखा है, उसी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। नहीं देविका, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा ही होने जा रहा है, मैं घर से भाग कर आई हूँ, शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, याद रखना। नहीं, अपनी शादी जरूर होगी। एक मिनट सब, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, एक जरूरी काम है। ओके आओ। प्रधान जी, तुम्हारी ये हिम्मत, छोड़ इसका हाथ, मैं कहता हूं हाथ छोड़। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है प्रधान जी, आप हमारी बात सुनिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, वेरी वेरी रेस्पेक्ट। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी शादी किसी और के साथ करके हम दोनों पर जुल्म मत कीजिए, यह हमारी विनती है आपसे। हम चाहते तो कहीं भाग सकते थे, चुपचाप शादी कर सकते थे, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है, वेरी वेरी बैड। कुछ ही दिनों में मैं इससे ब्याह करके इज्जत के साथ इस घर से ले जाऊंगा, तब तक देविका इस घर में मेरी अमानत की तरह रहेगी। अगर इसका हाथ आपने किसी और के हाथ सौंप दिया तो मैं तो इस दुनिया से जाऊंगा ही, लेकिन जाते जाते बहुत खून खराबा करके जाऊंगा, यही बात बताने के लिए आया था। वेरी वेरी गुड बाय, जाओ। वेरी वेरी सॉरी साहब, चलिए शाम हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। अरे शाम का ही तो इंतजार कर रहा हूँ बलराम, बैठो यार। जी अरे बैठो यार, ये लो, ये पैसे रख लो। इतने सारे पैसे? तुम रख लो यार। सब मेरी फीस सिर्फ 200 रुपए हैं, ये बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी मच। तुम्हारे पास जो चीज देखी है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। मैं समझा नहीं साहब। अरे भाई मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जो अभी अभी तुमसे यहां मिलने आई थी, उसको देखकर मेरी तबीयत मचल गई। क्या नशीली जवानी है, बस एक रात के लिए उसे मेरे कमरे में भेज दो बलराम। Oh, my God.
किशन, इतना हाँफ क्यों रहा है? बलराम ने खून कर दिया। खून कर दिया? किसका? एक मुंबई से सेठ आए थे, उसका। नहीं नहीं, बलराम खून नहीं कर सकता। खून बलराम ने किया है। वो सेठ के पैसे लेकर भाग रहा था, वो भी 20,000। और जब सेठ ने शोर मचाया, तो बलराम उसके पेट में भाला घुसेड़ दिया। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। नहीं, बलराम ऐसा नहीं कर सकता। बलराम ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं है। बेटी, ऐसे लोगों का ना कोई धर्म होता है ना ईमान, इसलिए मैं तुम्हें रोकता था। लेकिन तुम उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपने बाप को अपना दुश्मन समझने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी असलियत जल्द सामने आ गई। कोई असलियत सामने नहीं आई, ये झूठ है। बलराम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। देविका, सेठ से रुपए लूट के भाग रहा था। ये सब झूठ है साहब। तो क्या ये भी झूठ है कि बाद में तुमने उस सेठ का खून कर दिया? मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का खून नहीं। देखते हैं कब तक कबूल नहीं करेगा तू। ए, जब तक कबूल नहीं कर ले, इसकी धुलाई करते रहो। मैं अभी आया। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जी बल्लू साहब, आप बलराम, हमने तुम्हारी जमानत दे दी है। साहब, हमने किसी का खून नहीं किया। हम जानता हूं बलराम, अच्छी तरह से जानता हूं। किसी को जिंदगी देने वाला किसी की जिंदगी ले नहीं सकता है। तुम्हें पहचाने में दुनिया भूल कर सकती है, पुलिस भूल कर सकती है, लेकिन बजरंग पांडे भूल नहीं कर सकता है। अरे हम तो आदमी को देखते उसकी नस्ल पहचान लेता हूं। अरे भैया बलराम, अगर हमको पहले से मालूम होता तो 8 दिन नहीं लगते, 2 ही मिनट में छुड़वा लेते। नहीं सब, मैं पहले देविका से मिलना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर, चलिए घर चल के बताते। ये लोग कौन? ये लोग तो शहर चले गए। कब? 5-6 रोज हुए हैं। सुना है उसके मामा ने कोई लड़का देख रखा था उसके लिए, और अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। नहीं। और नहीं तो क्या, तेरा इंतजार करती कि बलराम जेल से आएगा और शादी करेगा? जा भूल जा उसे और हंसी खुशी जिंदगी बिताने दे उसे। टाइगर का आंख में आंसू अच्छा नहीं लगता है। अगर मुझे मालूम होता देविका चली गई तो आपको जमानत नहीं देने देता साहब, खून के इल्जाम में फांसी चढ़ जाता। जी कर क्या करता? अब इस दुनिया में मेरे लिए रखा ही क्या है? आओ हमारे साथ, हम तुमको अपनी नई दुनिया में ले चलता। आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मुझे लगा जैसे उस गरीब टूरिस्ट गाइड का अरमान, उसकी जिंदगी,
उसकी मोहब्बत को कैद करके हमेशा के लिए ताला लगा दिया था। हेलो, कौन? बलू टाइगर बोलते हैं ना? हम ललन झा बोल रहा हूँ, बजरंग पांडे का साला। पूछे? थैंक यू सर। बहुत बड़ा खुशी का बात है बल्लू, कि हमरे जीजा जी जमानत पे छूट के घर आ गए हैं। हाँ, अरे भगवान का बहुत बड़ा कृपा हुआ भैया, वरना वो एसीपी तो पक्का इरादा कर लिए थे कि हमरे जीजा जी की दोनों टांगे और बायां हाथ काट के दाएं हाथ में कटोरा थमा दे। लेकिन वो जानते नहीं है ना कि वो जमाना गया जब जीजा जी भीख मांगा करते थे। क्या बकते हो मामा? पोपट हो गए हो क्या? लो मिर्ची तो खुद खाते हैं और हमको पोपट बोलते हैं। लीजिए, बनवा लीजिए, बात कीजिए। हेलो, वंडरफुल बल्लू, वंडरफुल। अरे भाई क्या काम किए हो? अरे भाई इसीलिए तो हमने तुम्हारा नाम टाइगर रखा है, अगर हमारे सामने होते ना तो हम तुम्हारा मुंह चूम लेते। लो। आ, 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 आ। सुनो बल्लू भाई, तुमने तो अपना काम बरोबर किया था, मगर उस साला एसीपी की जान जो है ना बड़ी जिद्दी और बेशरम जान है, आसानी से एसीपी की बाड़ी छोड़ती नहीं है। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, छोड़ देगी, बहुत जल्द छोड़ देगी बाड़ी। सुनो बल्लू, अस्पताल में जो डॉक्टर एसीपी की दवा दारू कर रहा है ना, उसके परिवार को पकड़ के हमने अपने गोदाम में बंद कर रखा है। अब वो ही करेगा जो हम चाहेंगे। जो काम तुम्हारी गोली का जहर नहीं कर सका ना, डॉक्टर का जहर का इंजेक्शन करेगा। इसे नहीं मारा तो वो लोग मेरे बीवी बच्चों को मार डालेंगे। तुम्हारे बीवी बच्चों को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया ना तो पूरे हॉस्पिटल को मैं आग लगा दूंगा। घर जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ले जा इसे, ले जा। आज नहीं पियोगे? कभी नहीं पीऊंगा। क्यों? पहले गम भुलाने के लिए पीता था, लेकिन आज जो खुशी मिली है उसे पीकर भुलाना नहीं चाहता। मधु, इन हाथों ने बहुत सारे खून किए हैं और हर खून के बदले मुझे ढेरों नोट मिले हैं, लेकिन इतनी खुशी नहीं मिली जितनी किसी को नई जिंदगी देने में मिलती है।
ऐसा पब्लिक नहीं बोलती, बल्लू बोलता है। बल्लू, तुम कितने अजीब इंसान हो। तुम्हें समझने के लिए दिल चाहिए, एहसास चाहिए, और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें समझा। और अचानक यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हें चाहने लगी। मुझको वो राज
तरस न आई, जिनका बहाना मेरा गुजरा जमाना, मेरा दिल अपना हारा हूँ, एक टूटा तारा हूँ। हमने इशारे पर तूने एसी पर गोली तो चला दी, पर उनको बचाने के लिए अस्पताल का ही चला गया। अरे डॉक्टर की पत्नी और उसके बच्चे को छुड़वाकर कर दिया उनको डॉक्टर के हवाले, और उस ससुर ने जान बचा ली उसकी। बोल काहे किया तूने ऐसा, पैसा पैसा कम था है? अरे तू नहीं जानता है तोरी हरकत से हमारे दिल को कितना धक्का लगा है, कितना दुख हुआ है हमारे मन को। हम जानना चाहते हैं कि तोरी हरकत की वजह क्या थी। बोल बोल। आपके इशारे पर हमने बहुत खून किया है। हमने कोई वजह नहीं पूछी, एक को बचाया, वजह मत पूछिए। अरे बन क्यों बचाया, क्यों बचाया उसे? बीवी तेरे साथ सो गई थी क्या? नहीं बलू, नहीं बलू, नहीं। तुम्हारे पिता ने हमको सहारा दिया, इसलिए छोड़ देता हूं, वरना कब का बेसहारा कर देता। पहली बार ऐसा हुआ है, कहीं तो टूटा है ये, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। ओके थैंक यू सर। कुछ हुई ये जानकर के तुम्हें यार डिस्चार्ज किया जा रहा है। राकेश, अपने बयान में तुमने ये साफ साफ कहा है कि जिसने तुम पे ये जानलेवा हमला किया है तुमने उसे कभी नहीं देखा, क्या ये सच है? जी सर बिल्कुल सच है। फिर भी सोच लो शायद कुछ याद आ जाए। मुझे अफसोस है सर, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। एनीवे ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या बात है देविका, इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। राकेश मुझसे कि तो इस शहर से अपना ट्रांसफर ले लो बस, और नहीं रहना चाहती मैं यहाँ, ये शहर हमें रास नहीं आ रहा है। मैं जानता हूँ देविका, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, मगर मेरी फिक्र को तुम अपनी कमजोरी मत बनाओ। कल तुम्हें यह सुनते हुए अच्छा लगेगा कि एसी पे मेरा अपनी मौत के डर से शहर छोड़कर भाग गया। बोलो सुन सकोगी लोगों के ताने? नहीं देविका, मैं किसी को भी यह कहने का मौका नहीं दूंगा, अभी तो शुरुआत है। मैंने कमिश्नर साहब से जरूर कहा कि मैंने उस आदमी को नहीं देखा, मगर मैंने झूठ कहा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझ पर हमला करने वाला कौन है। यह रही उसकी फाइल।
बहुत घमंड है ना तुझे अपनी ताकत पर, लोग टाइगर कहते हैं ना तुझे। आज तू भी अकेला है और मैं भी अकेला हूं। मार मुझे, मार मुझे टाइगर, मार। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे टाइगर। मार मुझे, मार। आज ये टाइगर को क्या हो गया है? चूहा कैसे बन गया है? बहुत बड़ा गुंडा है तू, गुंडा है तू। मार, मार, मार। मैं चाहूं तो अभी 2 सेकंड में पुलिस एनकाउंटर की आड़ में तुझे ढेर कर सकता हूं। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई नहीं, वो भी नहीं जिनके इशारों पर तू लोगों को मौत मारता है। मरे हुए कुत्ते की तरह तेरी लाश को म्यूनिसिपैलिटी वाले घसीट कर ले जाएंगे। कारतूस की तरह होते हो तुम लोग, कारतूस की तरह, जिन्हें चलाते कोई और है। तुझे मारकर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा टाइगर। मुझे तो वो हाथ चाहिए जो तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और मैं उन हाथों को काट के रहूंगा। यह मेरा वादा है तुझसे। चल। तक तू हमारे इशारे पर काम करता रहा, बहुत बहादुर इंसान रहा रे बल्लू। इतना बहादुर कि हमारे कहने पर तूने एसीपी पर गोली चला दी। मगर जैसन तुझे पता चला कि एसीपी वो लड़की का मर्द है जिससे तू प्रेम करता था, तेरा सर झुक गया। वो एसीपी तुझे मारकर चला गया। अरे हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात रही, तूने नजर तक नहीं उठाई। नजर लग गई रे हमरे बल्लू को। ये हमरा बल्लू नहीं है, नहीं है हमरा बल्लू। ए ललन यहां आओ। ये देखो बल्लू का लाए हैं, साड़ी गजरा चूड़ी पायल झुमके, ये सब तोहरी खातिर है। पहन लो इनको और बदल लो अपनी नस्ल। इसे कहते हैं प्रेम का जादू। ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। ना तो उस पुलिस वाले को मार सका, ना ही उस पर हाथ उठा सका, और ना ही अब तोहरे दिल में बजरंग पांडे के लिए कोई जगह रही। अरे भूल गया हमरे सारे उपकार किसकी वजह से? वो 2 टके की लौंडिया की वजह से जो तुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। पल्लू अब तो पुलिस वाले से हमारी दुश्मनी और भी बढ़ गई है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसने हमसे हमारे बल्लू को छीन लिया। मरेगा, बहुत भयानक मौत मरेगा वो पुलिस वाला। उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तू उसे मरने नहीं देगा और हम उसे जीने नहीं देंगे। आज के बाद बल्लू ये जंग हमरे और तुम्हारे बीच रहेगी। देखते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। हेलो, हेलो। मैं बल्लू बोल रहा हूँ। देवी का फोन मत रखना, तुम्हें मेरी कसम। यहाँ फोन क्यों किया? ये कहने के लिए कि आज नहीं तो कल तुम मुझे विधवा बना दोगे? देवी का मुझे गलत मत समझो,
गलत इंसान को गलत नहीं समझू तो और क्या समझू? देविका, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे भी मेहरा तुम्हारे पति हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने, छुप कर तुमसे बातें करूंगा, लेकिन एक बार आकर मुझसे मिलो। क्यों मिलूं मैं तुमसे? अपनी सफाई दोगे मुझे? अपने आप को बेगुनाह बताओगे? यही ना, अपने आप को बेगुनाह साबित करने का वक्त निकल चुका है देविका। अब सिर्फ मैं तुम्हारे पति की जिंदगी की खातिर मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे घर आदमी भेज दिया है, उसके साथ आ जाना, ये मेरी तुमसे विनती है। अल्लू, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है, लो खा लो। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहां? देविका, अपने पति से कहो कि यहां से ट्रांसफर ले ले। क्यों? क्योंकि उनकी जान को यहां खतरा है। कौन मरेगा उन्हें? तुम? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे शादी नहीं की? नहीं देविका, नहीं। तो फिर तुमने उन्हें जान से मारने की कोशिश क्यों की? और अब तुम ये धमकी दे रहे हो कि उनकी जान को खतरा है? और क्या हम ये शहर तुम्हारी वजह से छोड़ दें? अरे नहीं, वो इतने बुजदिल नहीं है, वो सामना करना जानते हैं। छुप कर पीठ पर वार करना नहीं आता है उन्हें, और इसीलिए मुझे अपने पति पर गर्व है, और मैं उन्हें अपना देवता मानती हूँ, देवता। अगर तेरा पति तेरे लिए देवता है ना, तो ये इंसान भी किसी देवता से कम नहीं है। ये जो आज तू इतने शान से सुहागन बने खड़ी है ना, ये सब इसी देवता की वजह से है। इसने तेरे पति को मारने की कोशिश जरूर की, लेकिन जब इसे पता चला कि वो तेरे पति हैं, तो इसने अपनी जान दांव पर लगाकर तेरे पति की जान बचा ली, और अपने ही लोगों से दुश्मन। नहीं मधु, बस आज मुझे बोलने दो। बल्लू, ये तेरी भूल है कि ये तुझसे तेरी बेवफाई का बदला लेना चाहता है। अरे अगर इसे बदला ही लेना होता ना, तो इतने साल नहीं लगाता, कब का तुझे बर्बाद कर चुका होता। उस सेठ का खून एक हादसा था देविका, जेल से छूटने के बाद ये तेरे घर भी आया, लेकिन तब तक तेरे पिता तुझे इसकी दुनिया से बहुत दूर ले जा चुके थे। उस दिन ये बहुत रोया देविका, चाहता तो तुझे ढूंढ भी सकता था, लेकिन तेरी बदनामी और रुसवाई ने इसे तुझे भूलने पर मजबूर कर दिया। आज जो तुझे ये देवता जैसा पति मिला है ना, सब इसी की दुआओं से मिला है, जिसकी खुद की जिंदगी किसी बददुआ से कम नहीं। तू इसकी दुनिया से क्या गई, ये हालात ने एक नेक रहमदिल बलराम को एक खूंखार बल्लू टाइगर बना दिया। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं देविका, अपने पति का यहां से ट्रांसफर करवा लो। बजरंग पांडे ने उनकी जान लेने के लिए काफी लोगों को लगा रखा है, आज तो मैंने उन्हें बचा लिया, कल शायद। मुझे तुम पर नाज़ है देविका, I'm proud of you. प्यारे बजरंगी, कर दिया मैंने अपना काम। नमस्कार बजरंगी, नमस्कार। एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं, जिसे सुनकर बहुत खुश हो जाओगे बजरंग।
तुम्हारे खास दुश्मन एसीपी राकेश मेहरा का शहर से ट्रांसफर करवा दिया हूं। मूड खराब है क्या? क्या बात है बजरंग, क्या जरूरत था एसीपी का नाम लेने का? अरे उसका नाम आते ही जीजा को लॉकअप का टॉर्चर याद आ जाता है। क्यों जीजा? नहीं, उका इतनी आसानी से इस शहर छोड़ने नहीं देंगे हम। ट्रांसफर होगा मगर किसी शहर में नहीं, ऊपर, सीधा ऊपर। अरे जीजा, एसीपी का मौत फिक्स है ये तो हम भी जानता हूँ, लेकिन कभी आप वो टाइगर के बारे में सोचे हैं जो आपका पिंजरा तोड़ के भाग निकले हैं? बजरंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसे फिर पिंजरे में डाल देंगे और फिर जगतपाल मर्डर केस की फाइल अभी बंद थोड़ी हुई है, पुलिस को अभी भी कातिल की तलाश है। मेरे सिर्फ एक फोन करने की देरी है, सिर्फ एक फोन। अरे आप दोठो बुलवा कीजिए। लेकिन जीजा हम क्या सोचता हूँ, टाइगर को गिरफ्तार करके ले जाते समय रास्ते में उसका टेटुआ दबाने में क्या हर्ज है भाई? अरे जिससे हमारा रिश्ता खत्म उसका जिंदगी भी खत्म, क्या बोलते हैं? जिंदगी में पहली बार अकल की बात किए हो साले। थैंक यू जीजा, थैंक यू। इसका मतलब हम ये समझू जीजा कि आपका मरने के बाद आपका कुर्सी में हम बैठूंगा। हम इनके लिए शरबत लेकर आता हूं। अभी जाहिल गवार, ये मिठाई किस लिए? आज मेरा जन्मदिन है। ओह, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। क्यों भाई, सर मुबारकबाद, जन्मदिन पर तोहफा भी दिया जा सकता है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। सच? इनकार तो नहीं करोगे? मांग कर तो देखो। वादा? वादा। बलू टाइगर, यू आर अंडर अरेस्ट। वजह? मिस्टर जगतपाल के खून के इल्जाम में। मिली एसीपी की, तुम इस शहर छोड़कर जा रहे हो? अरे ऐसा कैसा चलेगा भाई, भूल गए? हमने तुमसे वादा किया था कि तब तक ना ही सोएंगे जब तक तुम्हारा फैसला ना कर ले। बहुत प्रेम है हमें तुमसे, अगर तुम चले गए तो फिर हमारा दिल नहीं लगेगा शहर में। देखो कितने प्यार से लेने आए हैं तुम्हें। रास्ता तो पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा। पुलिस स्टेशन कौन जा रहा है? आज बजरंग पांडे को अपने दोनों दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज पुरानी टेकरी में बजरंग पांडे एसीपी मेहरा और उसकी बीवी को खत्म कर देगा और मैं तुम्हें यहाँ पुलिस इनकाउंटर में। छोड़ दो बल्लू को, छोड़ दो उसे। एक
मधु, ये तुमने ठीक नहीं किया मधु। तुमने जो इज्जत दी, जो एहसान किया, उसके बदले में मेरी जिंदगी बहुत छोटी सी चीज थी बल्लू, बस एक एहसान और कर दो। बोलो मधु। मैं सुहागन बनना चाहती हूँ बल्लू। देना उस दिन क्या कहा था हमने, ये उस दिन पान खाएंगे जिस दिन तुझे अपनी गली में लाएंगे। मंत्री, इस ससुरे को अपने नाम के आगे एसीपी का ठप्पा लगाने का अधिकार कहां मिल गया? सारे शहर पे अपना अधिकार जमा लिया। बहुत तंग किया साले ने, इतना तंग किया हमका के बस। हाँ, अरे कोई शर्म हाया वाला होता ना तो वहीं फड़फड़ा के मर जाता। है तेरी? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है जीजा जी कि कोई भी इतना तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, कोई भी होता तो मर जाता। लेकिन इस एसीपी के बारे में क्या सोचा है बजरंग? कुछ करना भी है या इसे ऐसे ही बांधे रखना है? अंकल, कसाई बकरे को क्यों बांधता है? ताकि उसका फुल एंड फाइनल हो सके। यही तो गलती करते हो तुम लोग। दुश्मन को जब तक मजे ले लेकर ना मारो तब तक बदला लेने का मजा नहीं आता है। सारी जिंदगी एक पति अपनी पत्नी को सुहागन के रूप में देखता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक पति अपनी पत्नी को विधवा के रूप में देखे। ये एसीपी देखेगा, आज तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी पत्नी को विधवा बनाएंगे। अरे वाह, क्या खोपड़ा है बजरंग पांडे, क्या खोपड़ा है! अरे कहां से पाया इतना बड़ा दिमाग रे? आप जानते नहीं है, अरे सांडे का तेल का मालिश करता हूँ हम जीजा जी की खोपड़ी पे। ए तेजू, छोड़ दिया था जो तोरे कहने पर तेरी बीवी को छोड़ देंगे। जिस दिन तेरे इशारे पर मैंने पहला खून किया था तो तूने मुझे ये पिस्तौल तोहफे में दी थी बजरंग। आज इस पिस्तौल से आखिरी दम तेरा ही लूंगा। राकेश और उसकी पत्नी को छोड़ देने बोल।
मेरी ताश के तो सारे पत्ते उलट पलट हो गए हैं। अगर बजरंग पांडे गिरफ्तार हो गया तो मेरा क्या होगा? तेरी कुर्सी तो गई। अरे अगर जीजा जी गिरफ्तार हुए तो समझिए कि हम भी अंदर। देखो ललन, वो तुम्हारा जीजा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे खोपड़े में एक आइडिया है। अरे कौन सा जीजा और काहे का बुराई है? आपका जो भी आइडिया बताइए, अगर जिंदगी रही तो हजार जीजा मिल जाएंगे। बोलिए बोलिए। हम पुलिस को फोन करेंगे, तुम्हारे जीजा को गिरफ्तार करवा देंगे। अच्छा, लेकिन तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा ललन, सरकारी गवाह बनवा दूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। क्या खोपड़ी आपकी मंत्री जी। एक बात बताइए, आप भी संडे का तेल से मालिश करवाते हैं क्या? ऐसा ही समझो। हेलो पुलिस स्टेशन, हम ललन झा बोल रहा हूँ। अरे बजरंग पांडे का साला मुझे, हाँ देखिए, हम अपने जीजा की काली करतूतों के बारे में बताना चाहता हूँ। जल्दी कर। हमारा जीजा एक नंबर का खूनी है, भेड़िया है, दरिंदा है, बहुत बड़ा स्मगलर है। हाँ हमारी बात भिलीव नहीं करते हैं तो मंत्री जी से पूछे या झाड़ के साथ टिके हैं। बात कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर, मैं मिनिस्टर बख्शी बोल रहा हूँ, ऊंची टेकरी से। बजरंग पांडे को फौरन गिरफ्तार कर लो, समझे? इसने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। जल्दी जल्दी बोलिए ना। अरे बोलिए ना। अरे उधर उधर तू आज जी घर। अरे बाहर में जाए जीजा जी, अब बोलिए ना। सामने जीजा जी घर है। जीजा जी आप ये देखिए, देखिए जीजा जी, ये देखिए, ये देखिए, आपके खिलाफ पुलिस को फोन कर रहे थे। नहीं, आप इनको अपना दोस्त समझते हैं? अरे बहुत बड़ा ऑफिसर साहब है, गोली मार दीजिए इनको। इसने पुलिस को फोन किया था? अरे हम फोन किए कि तुम फोन किए? कितना झूठ बोलते हैं। अरे जीजा हमारा जी तो हमारे बाप के बराबर है। बिल्कुल सही कहा तूने गद्दार, कहीं का हम तुम्हारे बाप ही हैं। और तू क्या समझता है रे, टोपी पहनकर तू हमारा बाप बन गया?
ये देविका को पहना तो राकेश, सुहागन का गला सुना नहीं रहना चाहिए, ऐसा पब्लिक बोलती है। मेरा किस्मत कमा